जय हिंद दोस्तों, मैं सद्दाम वाली स्वार्थी एडुकेशन में सब आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, हम आज पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन का नेक्स्ट पार्ट, यानी सरलीकरण का नेक्स्ट पार्ट। तो आइए पहले बेसिक देखते हैं। देखिए, हमें अगर 3.1/2 लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? अगर बेसिक रूल से इसको सॉल्व करेंगे आप, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है? गुना और प्लस जोड़ देते हैं ऊपर वाला। देखिए, 3 × 6 + 1 = 7 और हर को जैसे के तैसे लिख देते हैं। ये तो हमारा बेसिक रूल है। चलिए अब हम बात करते हैं इसको 3.1/2, यहां गुना होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, क्या होता है? यहां पे गुना होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, क्या होता है? आप बताइए क्या होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। देखिए यहां क्या होता है, आप याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल घबराइए मत। ट्रिक तो मैं ऐसे बताऊंगा जैसे चुटकियों में सॉल्व होने वाला है, पहले बेसिक समझते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा प्लस में होता है, 3 + 1/2, ये क्या होता है? प्लस में होता है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर प्लस में होता है तो अब इसका एलसीएम सिंपल निकाल सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं, 2 × 1 का एलसीएम 2, 1 में 2 से भाग दीजिएगा 2, 2 से 3 में गुना करिएगा 6, 2 × 1 = 2 भाग दिए 1 आया, 1 में 1 से गुना करिएगा 1 आएगा, कितना आएगा? 6 × 1 = 7/2, ये भी 7/2, ये भी 7/2, कोई दिक्कत? बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए तो ये क्या होता है? प्लस में। अच्छा, ये ऐसे रहे -3.1/2, इसका मतलब क्या हुआ? तो दो तरीका है, आपको माइनस को यहां रखिए और बाकी को ब्रैकेट में लिखिए, यानी 3 + 1/2 लिख सकते हैं ऐसे। अब क्या होगा? वैसे ही सेम एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा? माइनस, ये अंदर क्या आएगा? 7/2, और बाहर क्या है आपका? माइनस है, तो यानी -7/2। अच्छा, इसको एक तरीका से और लिख सकते हैं। देखिए, -3.1/2, इसको ऐसे डायरेक्ट माइनस से गुना करके लिखिए, -3 और -1/2 भी लिख सकते हैं, इसको भी सॉल्व करिए तो क्या आएगा? 2 × 1 = 2 आएगा, और 1 में 2 से भाग दीजिएगा 2, और 2 में 3 से गुना करिएगा -6, 2 में 1 2 से भाग दीजिएगा 1, और 1 में 1 से गुना करिएगा क्या आएगा? -1, कितना हुआ आपका? -7/2। मतलब इस चीज को आप ब्रैकेट लगा के माइनस लगा दीजिए, सॉल्व करने के बाद माइनस लगा दीजिए, या आप डायरेक्ट ब्रैकेट मत लगाइए, माइनस पूरा गुना कर दीजिए, यानी क्या होता है? -3 - 1/2 होता है, इसका मतलब -3 - 1/2 होता है। इतना समझने में आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए कुछ और चीज अच्छे से समझते हैं। चलिए अगला हिस्सा देखिए, अगर हम यहां लिखे, इसको आप कहीं पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, मैं मिटा देता हूं। देखिए इसको मैं इरेज करता हूं। देखिए अब हम इसको आगे और क्या लिख सकते हैं, अगर 5 - 2.3/5 हो तब कैसे लिखेंगे? इसका मतलब क्या हुआ आपका? 5 - 5 × 10, चाहे आप ऐसे लिखिए, -2 - 3/5 लिख सकते हैं। अरे इसको ऐसा ही लिखते ना आप, क्या लिखते इसको? इसको आप क्या लिख सकते थे? 2 + 3/5 लिखते ना, माइनस बाहर लिखते, माइनस हमने क्या किया? गुना कर दिया, ये आपको बता चुका हूं। तो इस प्रकार भी इसको लिख के सॉल्व कर सकते थे, कोई दिक्कत? या हम इसको, अब इसको देखिए, अब इसका हम 2 × 1 एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा आपका? सबका एलसीएम 5 होगा, 1 में 5 से भाग दीजिएगा 5 ही आएगा, 5 में 5 से गुना करिएगा 25 आएगा, माइनस 1 में 5 से भाग दीजिएगा 5 आएगा, 5 में 2 से गुना करिएगा 10 आएगा, 5 में 5 से भाग कर 5 में 5 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 आएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 25 और 13 कटेगा 25 में से, तो आपका 7 और 5 = 12 / 5। अच्छा, इसको डायरेक्ट सॉल्व करके देखिए, 5 - 5 × 10 = 3 = 13/5। अब इसको 5 × 1 = 5 हो जाएगा, 1 में 5 से भाग दीजिएगा 5 × 5 = 25 - 13, ये भी 25 - 13 आया, यानी 12/5। तो जैसे भी सॉल्व करिए देखिए वही आ रहा है। तो दोस्तों हमने क्या देखा कि ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, दोनों में क्या आ रहा है? 12/5 आ रहा है। तो आपको दोनों तरीके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे
क्वेश्चन पे काम वर्क करते हैं। आगे क्वेश्चन आएगा, हम उसके पहले और आपको इसके बारे में बेसिक बताऊंगा, ठीक है। पहले इस बेसिक के आधार पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। मिटा दूं इसको, बेसिक तरीके से आइए, बेसिक तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 99 प्लस 41 बटा 47 लिखेंगे और टोटल में कितना से गुना है, 47 से, ठीक है। चलिए इसमें गुना कर देते हैं, 99 गुने 47 प्लस 41 बटा 47 गुना 47। अब देखिए 99 वाले संख्या में किसी भी संख्या से गुना करेंगे, उसका ट्रिक ऑलरेडी वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर देख लीजिएगा, छोड़ डालिएगा एकदम कैलकुलेशन को। चलिए अब यहां मैं आपको समझा देता हूं क्या होता है कि जिस संख्या से गुना करते हैं उस संख्या लिख लेते हैं और कितना जीरो इस पे बैठाएंगे, जितना नाइन रहेगा, दो नाइन है तो दो जीरो, और फिर इसी संख्या को इसमें से माइनस कर देते हैं। जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 4653 आएगा आपका, कितना आएगा, 4653। तो यहां लिख लीजिए 4653, 47 कैंसिल आउट, 41 बचा, क्या हो जाएगा जब जोड़ेंगे तो 4694, जोड़ के देख लीजिएगा, ठीक है, किसके साथ जाएगा, ए के साथ। ये तो हुआ डिटेल तरीका। अब चलिए इसमें भी मैं शॉर्ट बताता हूँ, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करिए, अभी मैं इसको मिटा के शॉर्ट बताता हूँ आपको। चलिए नोट कर लिए होंगे, अब देखिए एक लाइन में क्वेश्चन आपका ये बनेगा कैसे, यहां और यहां अंक सेम होना चाहिए, सेम है, चलिए तो क्या करेंगे 47 लिख लेंगे, यहाँ जितना संख्या 9 रहेगा उतना 0, तो 2 9 है तो 2 0। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या करेंगे, माइनस करके इन दोनों का डिफरेंस जितना रहेगा उतना इसमें से माइनस कर देंगे, 41 का डिफरेंस कितना है 6 का, तो इसमें से 6 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 4694, किसके साथ जा रहा है, ए के साथ। एक बार और समझ लीजिए, यहाँ यहाँ अंक सेम हो, 47 जितना 9 है उतना 0, और इन दोनों का डिफरेंस माइनस, दोनों का डिफरेंस कितना है 6 का है, तो 6 माइनस कर दिया, कितना है 4694, किसके साथ जा रहा है, ऑप्शन ए के साथ जा रहा है। आइए कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं इसी बेस पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, 4 डालिए क्वेश्चन को, सेम है 57 लिख दिया, कितना 9 है तो 3 9 है, 1 2 3 0 बैठा दिया, जितना 9 उतना 0, अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1, तो 1 माइनस कर दीजिए, तो कितना होगा 56999। कहां ऑप्शन जा रहा है ढूंढ लेते हैं, बी के साथ जा रहा है, एक लाइन में सॉल्व हो रहा है, ठोक डालिए वीडियो को तुरंत लाइक, आप भूल जाते हैं वीडियो को लाइक करिए तुरंत, अभी क्या अभी भाई आप भूल जाते हैं, तुरंत अभी लाइक करिए अगर अच्छा लगा हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरे प्यारे दोस्तों आइए धमाकेदार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या करना है, ये सेम है तो 67 लिख दिए, कितना 9 है तो 2 9 है, 2 0 बैठा दिए, 63 और 67 का कितना का डिफरेंस है 4 का, तो 4 माइनस कर दिए, और बगल में आपका 4 है प्लस 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, कितना आएगा 6700, खत्म क्वेश्चन, बी के साथ जाएगा, नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को जरूर लाइक करिए, जरूर शेयर करिए, और जो नए दोस्त जुड़े हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे नीचे रेड बटन को क्लिक करके, नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्तों, हमेशा की तरह ये क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों किसके लिए, आपके लिए, नोट डाउन और प्लीज कमेंट इन कमेंट सेक्शन। चलिए मुझे उम्मीद है सभी लोग जितने मेरे वीडियो देख रहे हैं जरूर कमेंट करेंगे, तो तुरंत कमेंट करिए, लाइव कमेंट करिए आप, ठीक है, वीडियो चल रही है अभी, कमेंट तुरंत आप करिए, ठीक है, कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन, क्या करना है सिंपल, आप 98 का इसमें गुना कर सकते हैं लेकिन बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्लस में है तो इसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, इसमें 98 से गुना है लिख दीजिए, खत्म क्वेश्चन, ये क्या है दोनों सेम है, 98 कितना 9 है 3 है तो 3 0 बैठा दीजिए, कितने का डिफरेंस है 1 का, तो 1 माइनस कर दीजिए, यानी 97999, किसके साथ जा रहा है, सी के साथ जा रहा है। बिल्कुल बेहतरीन और अच्छा क्वेश्चन आप लोग के लिए सिलेक्ट करके लाता हूं,
इतना प्रैक्टिस करा दूं कि आप एग्जाम में 1% कंफ्यूज ना हो और तुरंत सॉल्व कर ले। आइए क्वेश्चन पूछा हुआ है, एग्जामिनेशन में का क्वेश्चन जो पूछ लिया गया है उसको देखते हैं। तो इसको फिलहाल नोट डाउन। धमाकेदार क्वेश्चन, फोड़ डालिए दोस्तों क्वेश्चन को। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, सेम है। चलिए यहां वाला संख्या को क्या करते हैं, नोट करते हैं। जितना नाइन उतना जीरो, 3 9 3 0, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 4 का, 4 माइनस कर दीजिए। जब इसमें से 4 माइनस करिएगा तो कितना आएगा, 4 माइनस करिएगा तो 8 कर लेते हैं। चलिए 0 में से 4 जाएगा 6, चलिए यहां 9 हो जाएगा, यहां भी 9 हो जाएगा और यहां 8 हो जाएगा और यहां 9 9, यानी कितना सेकंड लगा, मुश्किल से 5 सेकंड। क्वेश्चन सॉल्व, 9 9 8 9 9 6, किसके साथ जा रहा है, बी के साथ। सॉल्व, ठोक डालिए, फोड़ डालिए क्वेश्चन को, क्योंकि ट्रिक आपको बता चुका हूं, धमाकेदार ट्रिक। ग्रुप डी की तैयारी करने वाले चैनल से जरूर जुड़े, जो नए दोस्त जुड़े हैं वो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म तैयारी करने के लिए आपको नहीं मिल सकता। तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, नीचे रेड बटन है क्लिक कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, नोट डाउन। तो पिछला क्वेश्चन हमने देखा था, एसएससी 2003 में पूछा हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हमें क्या करना है, इसको यहां 16 आ जाएगा तो हमारा जो रूल हम रटे थे उसके हिसाब से हो जाएगा। चलिए तो हम क्या करेंगे, 4 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं इसी में, 99 15 पूर्णांक गुना 4 99 11 बटा 16 गुना 4 और प्लस 99 13 बटा 16 गुना 4। चलिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। देखिए 4 का गुना अंदर कर दीजिए तो यहाँ 16 हो जाएगा, यानी 99, 4 का गुना अंदर करिएगा 15 बटा 16 गुने 16। याद रखिएगा इधर बाहर भी 1/4 आपका है, नीचे वाला 4, ठीक है। अब क्या हो गया, 99 13 बटा 16 गुने 16। सिंपल, अब रूल लग सकता है, यहाँ लगा देते हैं, रूल लगाइए तो क्या होगा, यहाँ 16 16 पे कितना 0 2 0, ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1 का तो -1। इसी प्रकार अब सबको लिख लीजिए, यहाँ भी 16 00, चलिए लिख लेते हैं 1600, यहाँ भी कितना का डिफरेंस है 11 4 11 5 16, 5 का डिफरेंस है, और यहाँ कितना का डिफरेंस है 3 का, यानी 1600 यहाँ भी होगा -3। अब 4 का भाग तो हमारा सब में है ना, तो चलिए 4 से भाग देते हैं, इसमें 4 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा, ध्यान दीजिएगा 4 चौका 16 400 400 400, सब में 4 का भाग देंगे क्योंकि बटा 4 सब में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 400 400 400 1200। चलिए यहाँ लिख लिया हमने 1200 और यहाँ 1/4 बचेगा, चलिए तो माइनस कॉमन लेते हैं, 5/4 बचेगा, 3/4 बचेगा, तो माइनस कॉमन ले लिए तो 1/4, फिर 5 प्लस 5/4, फिर प्लस 3/4। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, 1200 हमारा क्या है बाहर है और माइनस है यहाँ, चलिए अब इसका एलसीएम लीजिएगा तो 4 ही आएगा 1200, और इसका एलसीएम लीजिएगा तो 4 ही आएगा, माइनस एलसीएम लीजिएगा तो 4 आएगा, ठीक है, और इसको जब करिएगा तो 5 3 8 1 9, 5 3 8 1 9, इतना अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा। चलिए आगे करते हैं, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1198 प्लस 2 लिख सकते हैं और 2 माइनस 9/4 लिख सकते हैं, इतना में किसी को दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखिएगा 1198 ये माइनस में है तो -2.9/4 लिख सकते हैं, नहीं यहाँ भी माइनस होना चाहिए। तो देखिए अब इसको सॉल्व करिए, 4 2 के 8 सॉल्व करिए इसको, 4 2 के 8 और 8 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, 4 2 के 8 और 8 में से 9 जाएगा कितना बचेगा -1, तो -1/4। अच्छा 1198 को दिख रहा है ना, चलिए 1198 को क्या लिख सकते हैं, ये देखिए 1197 के टर्म में है तो 1197 प्लस 1 लिख सकते हैं, चलिए लिख दिया, और यहाँ क्या है -1/4 तो लिख दीजिए -1/4।
चार दिख रहा है। अच्छा यहाँ दिखेगा, हाँ चलिए दिखेगा। अब देखिए इसको जब सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा, चार 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 एकम चार, और चार में से एक जाएगा तीन बटा चार, तो लिख देते हैं 1197 प्लस 3/4। अब 1197 में 3/4 क्या लिख सकते हैं, 1197 में पूर्णांक में लिख सकते हैं 3/4, क्योंकि फिर वापस से इसको ऐसे लिख सकते हैं चाहे इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए तो ऑप्शन में ये कहीं है 1197 में 3/4 बी के साथ जा रहा है, ऑप्शन में मौजूद है। थोड़ा सा इत्मीनान और सुकून से सॉल्व करिए, सॉल्व होना ही होना है, ये आपके लिए इतना लंबा कैलकुलेशन किया, नहीं तो मैं तो यहीं पे फोड़ डालता। चलिए नोट डाउन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 1/5 क्वाड्रेटिक लिख दीजिए, यहाँ कोई ट्रिक नहीं, सेम नहीं है तो ट्रिक नहीं लगेगा, तो बेसिक से सॉल्व कर लेते हैं। इसको क्या लिखेंगे, अब इसमें क्या है 999 × 99, क्योंकि प्लस में होता है इतना प्लस इतना, तो चलिए तो इसमें भी 999 से गुना होगा, इसमें भी 999 से गुना होगा, और इसमें भी 99 से गुना होगा, क्योंकि इतना प्लस इतना। अच्छा लिख ही देते हैं पूरा, आइए 99 + 494/495, और इसमें कितना से गुना है 99 से। चलिए 1/5 हमारा ये है ही, चलिए अब तो गुना कर देना, 494/495/99 हो गया, खत्म क्वेश्चन। अब देखिए 1/5 को क्या लिख सकते हैं हम, 0.2, कोई दिक्कत, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। अब 99 वाला क्या रूल कहता है कि 99 लिख दीजिए, देखिए 99 लिख दीजिए, इस पे कितना जीरो, तीन जीरो, और 99 यहाँ वाला जिस संख्या से गुना करते हैं फिर वो माइनस कर दीजिए, तो क्या होगा 1 और यहाँ क्या बचेगा 9 में से 9 जाएगा 0, यहाँ क्या बचेगा 9, यहाँ क्या बचेगा 8, और यहाँ क्या बचेगा 9, ठीक है 98901 आएगा, ठीक है। प्लस कर लेते हैं, मिटा दूं इसको, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा धमाकेदार वीडियो का, जरूर देख लीजिएगा मल्टीप्लिकेशन ट्रिक। चलिए इसको मिटाता हूँ, अब इसका देखिए ये कितना बार जाएगा, 5 × 99 = 495, और इससे 5 से काटिए तो 5 × 9 = 45, ठीक है 5 × 9 = 45, और कितना बचा 4 = 44, तो 5/40, अब कितना बचा 4, तो 0, 5/40 98.8 में 0.2 जोड़िएगा कितना आएगा, चलिए इसमें जोड़ देते, पहले इसको नोट कर लेते हैं 98901, और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा, और 99 को इसमें जोड़ दीजिए 9 × 10 = 9 और फिर 9 × 8 = 9 किसके साथ जा रहा है, देखिए 98 इसको जोड़ेंगे 99 को तो पूरा आपका, चलिए फिर से जोड़ते हैं 9 × 1 = 10, ठीक है 10 के 0 हाथ में 1 और फिर 9 × 1 = 10, अच्छा गड़बड़ हो गया जोड़ने में, फिर से जोड़ लेते हैं 9 × 1 = 10, 10 के 0 हाथ में 1, फिर 9 में 0 जोड़िएगा तो 9 ही रहेगा, लेकिन हासिल 1 है तो 10 हो जाएगा, चलिए यहाँ भी 9 है 1 हासिल है तो 10 हो जाएगा, यहाँ 8 है तो 9 हो जाएगा, और यहाँ तो 9 ऑलरेडी पहले से है। 99 पे 3 जीरो किसके साथ जा रहा है, डी के साथ, थोड़ा सावधानी से करना होता है हमें, प्लस माइनस कर दिया ट्रिक तुरंत, तो क्या है हमारा थोड़ा सा दिमाग का यूज, मल्टीप्लीकेशन ट्रिक तो याद ही होना चाहिए कि समय का बचत हम कर सके। क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, तो 99 कितना 9 है तो 3, 9 है तो 3 जीरो, इन दोनों का डिफरेंस 1 है तो 1 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 10 में से 1 जाएगा 9, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 8 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, 98 999 किसके साथ जा रहा है, बी के साथ। नोट डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको तो सिंपल भी जोड़ सकते हैं, 4 है, 4 है, 4 है, 4 है, 4 × 16 हाथ में 1 × 4 = 12 × 1 = 13, 4 × 4 = 8 = 9 = 3936 किसके साथ जा रहा है, ए के साथ। दूसरा तरीका क्या है, टोटल कितना है 4 है, ये भी टोटल कितना है 3 है, ये टोटल कितना है 2 है, टोटल कितना है 1 है। अब देखिए 4 से लास्ट वाले टर्म में गुना करिए तो 4 × 16, 16 × 6 हाथ में 1, अब देखिएगा इसमें फिर लास्ट वाला टर्म से गुना करिए,
चार है तो तीन चौका बारह हासिल एक है, याद रखिएगा तीन चौका बारह एक तेरह का तीन हासिल एक अभी भी है। दो चौका आठ लास्ट वाला से करेंगे आठ और हासिल एक अभी भी है तो कितना हुआ दो चौका आठ एक नौ, ठीक है अब हासिल नहीं है और एक में चार से गुना करेगा तो चार ही आएगा 4936 किसके साथ ए के साथ। एक बार और समझ लीजिए चार से चार सोलह, सोलह के छह हाथ में एक, चार तीन बारह एक तेरह के तीन हाथ में एक, चार दूनी के आठ एक नौ हासिल एक है तो नौ हो गया और चार एकम चार 4936। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, नोट डाउन करिए इसको। आइए दोस्तों देखते हैं कितना है पांच है, यहाँ कितना है चार है, यहाँ कितना है तीन दो एक, कर दीजिए गुना पचास पच्चीस के पांच हाथ में दो, चार पांच बीस और दो बाईस के दो हाथ में दो, पांच तीन पंद्रह और दो सत्रह के सात हाथ में एक, पांच दूनी के दस एक ग्यारह के एक और हाथ में कितना एक और पांच एकम पांच एक छ इकसठ सात सौ पच्चीस, ठीक है ए के साथ जा रहा है। बहुत ही सिंपल क्या कि एक बार समझ लीजिए पचास पच्चीस के पांच हाथ में दो, चार पांच बीस और दो बाईस के दो हाथ में दो, तीन पांच पंद्रह और दो सत्रह के साथ हाथ में एक, दो पांच दस एक ग्यारह के एक हाथ में एक और पांच एकम पांचों एक पांच पांचों और एक हासिल था छह इकसठ सात सौ पच्चीस। ये होता है ट्रिक क्योंकि इस पे क्वेश्चन और थोड़ा टफ देखने वाले हैं, नोट डाउन करिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, देखिए थोड़ा यहाँ बेसिक देख लेते हैं। पांच पूर्णांक एक बटा दो प्लस पांच पूर्णांक तीन बटा दो प्लस सात पूर्णांक एक बटा दो प्लस दो पूर्णांक तीन बटा दो। अब देखिए इसको सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं पांच प्लस एक बटा दो, चलिए इसको क्या लिख सकते हैं पांच प्लस तीन बटा दो, इसको क्या लिख सकते हैं सात प्लस एक बटा दो, इसको क्या लिख सकते हैं दो प्लस तीन बटा दो। अब पांच को सात को और दो को जोड़ दीजिए पांच पांच दस सात सत्रह दो उन्नीस और आधा आधा ये जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा एक हो जाएगा और तीन बटा दो जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा छः बटा चार, यानी आपका दो दोनी के सॉरी छः बटा दो तो कितना हो जाएगा ये दो तियाई छः तीन आएगा तो क्या हो जाएगा उन्नीस एक बीस तीन तेईस, तेईस आया ना। चलिए अब देखिए हम इसको ट्रिक से करते हैं, देखिए हम इस वाले को यहीं पे जोड़ देते हैं सात पाँच 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 दस सात पाँच पाँच दस और सात कितना होगा ध्यान दीजिएगा पाँच पाँच दस सात सत्रह और दो उन्नीस, उन्नीस लिख दिया प्लस आधा आधा एक हो गया और इसको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा तीन आएगा, जोड़ के देख लीजिएगा तो आधा आधा एक और इसको मतलब बट्टा वाले को अब जोड़ रहे हैं, पहले क्या किया पूर्णांक वाले को जोड़ दिया आप क्या करें बट्टा वाले को जोड़ रहे हैं तो इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा तीन, अब उन्नीस एक बीस तीन तेईस, यानी हम इसको पूर्णांक वाले को सबको इकट्ठा जोड़ ले और बट्टा वाले को जोड़ के यहाँ लिख दें टोटल को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक यहाँ से आप सीख चुके होंगे, देखिए तेईस ही आ रहा है डायरेक्ट भी जोड़ा तो, और एग्जाम्पल देख लेते हैं तीन पूर्णांक एक बटा दो प्लस तीन पूर्णांक एक बटा दो, ठीक है अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तीन तीन छ और आधा आधा एक कितना होगा सात होगा, इसको सॉल्व कर लीजिए तीन दुनी को छ एक सात बटा दो, तीन दुनी को छ एक सात बटा दो, दो दो का एलसीएम दो सात सात चौदह, दो सात चौदह कितना आया सात, वो उस विधि से करिए या इस विधि से करिए दोनों क्या आ रहा है समान आ रहा है तो जबरदस्त ट्रिक मिल गया ना। आइए उसको ठोक डालते हैं क्वेश्चन को, चलिए देखते हैं। अब देखिए दोस्तों हमारा हमने ट्रिक पहले ही बता दिया, अब इन सबको जोड़ेंगे तो इसको जोड़ने के लिए यहां चार है यहां तीन है यहां दो है यहां एक है, वही जोड़ने वाला ट्रिक जो आपको सिखाया था अभी दो क्वेश्चन इसके पहले जो किया, चार एकम चार हो और तीन एकम तीन हो, दो एकम दो हो एक एकम एक हो, कितना है 1234 1234 हमने निकाल लिया, ठीक है चलिए मिटा देते हैं थोड़ा इसको हम 1234 इसको जोड़े तो कितना आया 1234 जो ट्रिक से दो क्वेश्चन कराए थे और आधा आधा एक आधा आधा एक यानी एक एक ये दो हो जाएगा एक आधा आधा एक जोड़ दिया अब कितना हो जाएगा ये 1236
और ये एसएससी 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो तुरंत 1236 किसके साथ, डी के साथ जा रहा है। क्या जबरदस्त ट्रिक, अभी भी आपको जो नए दोस्त होंगे मेरे हिसाब से कहना नहीं पड़ेगा, आप भूल जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए तुरंत करिए चैनल को, रेड बटन दिख रहा होगा, तुरंत सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, उनको भी बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, गुरुदेव का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपके लिए मिल चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आइए, आप भी सेकेंडरी में करिएगा, मैं भी, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए पूर्णांक वाले सबको जोड़ देंगे, अच्छा सब जगह 999 ही है, तो 999 प्लस 999 999 999 सबको जोड़िएगा तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 सेम संख्या को 6 बार जोड़ेंगे, यानी 999 प्लस 999 कितना बार, 6 बार। तो इससे अच्छा हम लिख सकते हैं ना कि 6 × 999 6 बार लिख के जोड़िए या 6 से डायरेक्ट गुना कर दीजिए, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 4 + 4 + 4 लिखिए, 3 बार जोड़िए, या इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 4 लिख दीजिए। तो वही हमने काम किया, 6 × 999 लिख दिया, क्वेश्चन खत्म। अब देखिए अब बचा क्या, 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7। चलिए इन सबको जोड़ना है हमें, इसको हमने जोड़ दिया इतना आया, और प्लस इन बट्टा वाला को जोड़ना है, तो देखिए 7 7 7 7 7 7 सब साथ है, तो 7 7 कैल्शियम 7 होगा, 7 7 कैल्शियम 7 होगा, तो ऊपर वाला सब जुड़ जाएगा, तो 1 + 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 7 × 3 = 21 कितना आया, 3। अब इसमें 6 से गुना करके 3 जोड़ दीजिए, 6 × 9 = 54 और हाथ में 5, 6 × 9 = 54 और 5 = 59 के 9 हाथ में 5, 6 × 9 = 54 और 5 = 59 प्लस 3 है, तो कितना हो जाएगा, 5997 किसके साथ जा रहा है, ढूंढ डालिए ना, डी के साथ जा रहा है 5997, नोट डाउन कर लीजिए और प्रैक्टिस करते हैं। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, आईएएम के एग्जाम 2007 में आया है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, सेम ट्रिक, 998 कितना बनाया है, 1 2 3 4 5 पांच बार लिख के जोड़िए या 5 × 998 कर दीजिए प्लस। अब देखिए 17 17 17 17 का एलसीएम कितना आएगा, 17 ही आएगा, अब ऊपर वाला जुड़ जाएगा, जब सब उनके नीचे 17 ही है, 17 का एलसीएम 17, तो ऊपर वाला जुड़ जाता है, आपको पता ही है, 3 × 2 = 5 5 × 5 = 10 10 + 8 = 18 18 + 16 को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 34, ये कितना आएगा, 17 × 2 = 34 दो आया। अब इसमें गुना कर दीजिए, 5 × 48 = 0 हाथ में 4, 5 × 9 = 45 49 हाथ में 4, 5 × 9 = 49 प्लस 2 यानी 4992 किसके साथ जा रहा है, बी के साथ जा रहा है, खत्म क्वेश्चन। चलिए तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इतना प्रैक्टिस कराने के बाद ये क्वेश्चन आपके लिए, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा, तो प्लीज नोट डाउन और कमेंट तो करिएगा ही, तभी मुझे लगेगा कि आपको 100% समझ में आया, तुरंत नोट करिए, तुरंत कमेंट करिए। चलिए नोट डाउन, जो भी दोस्त कभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आज को जो ही नहीं कि लाइव ही, कभी भी किसी टाइम देख रहे हैं, अच्छा लगा हो समझ में आया हो तो तुरंत इसको देख के कमेंट कर दीजिए इसका आंसर क्या होगा, तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट या वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। आइए दोस्तों नेक्स्ट, ठोक डालिए क्वेश्चन को, एकदम उड़ा डालिए, ट्रिक ही बताया हूं ऐसा, देखिए क्या करना है। देखिए हम क्या बोले थे, अब देखिएगा इन दोनों को जब जोड़िएगा ना, देखिए 9 3 12 6 और 2 कितना होगा, 8 1 9 क्योंकि 12 था, 1 हासिल 1 था, 3 1 4 कितना हो जाएगा, और जब इन दोनों को जोड़िएगा तो 4/7 हो जाएगा, 7/7 का एलसीएम कितना होगा, 1 और 1 3 1 4 4/7। देखिए 4/7 और ये किसके बराबर है, ये प्लस और माइनस, तो क्या होगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, ये वाला बचेगा, बहुत ही सिंपल, इन दोनों को जोड़िएगा तो यही आ जाएगा, तो दोनों सेम है, तो दोनों सेम है तो ये कैंसिल आउट, बचा क्या, ये, तो यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर आएगा, तो ये प्लस में, इन दोनों को जोड़ने के बाद प्लस में ये रहा और माइनस में दोनों क्या हुआ, कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या, ये, क्या जबरदस्त, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है एग्जाम में, इनर जो होता है क्वेश्चन को लपेटता नहीं है, भाग नहीं देता है, दिमाग ट्रिक से यूज करना है, क्वेश्चन में जो बनता है ट्रिक से ही बनता है। तो किसके साथ जा रहा है, 246 × 2/7 ए के साथ जा रहा है, पॉज डाउन,
नोट डाउन। चलिए तो मेरे प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर रेड बटन नीचे दिया है सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक शेयर करें वीडियो को। जो भी दोस्त आपका ग्रुप डी का फॉर्म भरे हैं, अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है, तुरंत बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत सबसे फास्ट मिल सके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।